नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी में एक नई फैमिली लेकर के आए हैं, चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी फैमिली क्या है? चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले पौधों को कौन से लोकल नामों से जाना गया है? चिनोपोडिएसी फैमिली में जो पादप आते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, उनकी जो पुष्प की संरचना वो कैसी होती है और उनका आर्थिक महत्व किस प्रकार का होता है, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले पादपों का वितरण। वितरण का मतलब यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष या भारत देश के अंतर्गत आने वाले जो भी राज्य हैं उन राज्यों के अंतर्गत चिनोपोडिएसी फैमिली के जो पौधे हैं वो अधिकांशतया उगाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यदि पादप की बात करें तो चिनोपोडिएसी कुल के अंतर्गत आने वाला जो भतवा, जिनको हम भतवा जो पादप होता है वो सबसे एक महत्वपूर्ण पादप माना गया है, जो जिसका उपयोग हम सब्जी के रूप में रेगुलर करते हैं। इसके अलावा बहुत से पादप हैं जिनको शोभाकारी अर्थात ऑर्नामेंटल खाद्य के रूप में और मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो चिनोपोडिएसी कुल के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं उसमें आज हम बतवा के पादप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं इसका लोकल नेम। लोकल नेम जो होता है, लोकल नेम क्या है? लोकल नेम की बात करें तो इसको भतवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं रूट की, किस प्रकार से इसकी रूट होती है। तो सबसे पहले जो रूट होती है वो मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ में क्या होता है कि जो मिट्टी से जो आधारी जो भाग है, इस आधारी भाग से ये एक पहले मुख्य जड़ पाई जाती है। ये मुख्य जड़ होती है वो ठोस होती है। इस मुख्य जड़ के सहारे प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें और तृतीयक, ये तीनों ही प्रकार की जड़ें मिलकर के और एक मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। तो शाखित मूसला मूल इसमें पाई जाती है। इसके अलावा उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेम यानी कि तना। तना जो होता है वो चिनोपोडिएसी जो कुल होता है उसमें तना जो होता है वो ज़मीन से लगभग ऊपर और जो संपूर्ण जो तने की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 4 से 5 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा जो तना होता है वो उर्द होता है, शाखित होता है, ठोस होता है, एकांतरित होता है और पुष्पित होता है। सबसे पहले हम बात करें शाखित। शाखित का मतलब यहाँ पर यह है कि जो तने के दोनों ओर एकांतर क्रम में या समानांतर क्रम में पत्तियाँ लगी होती है, जिन्हें हम शाखित नाम देते हैं। इसके अलावा ऊपर जो भाग होता है उस भाग के ऊपर विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे होते हैं जो जनन में सहायक होकर के और बीज का निर्माण करते हैं। तो ये स्टेम की संरचना हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं लीफ अर्थात पत्तियाँ। पत्तियों की बात करें तो शाखित तने के दोनों ओर पत्तियाँ पाई जाती है। ये जो पत्तियाँ होती है वो अनुकूर्णी प्रकार की पत्तियाँ होती है और समानांतर क्रम में पत्तियाँ पाई जाती है। आमने सामने जो पत्तियाँ होती है वो तने के व्यवस्थित होती है। इसके अलावा जो पत्तियाँ होती है उन पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो आपस में कुछ कटे फटे या मुड़े हुए होते हैं और ये जो पत्तियाँ होती है वो लगभग समानांतर क्रम में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पत्तियों की संरचना हो गई। पत्तियों के बाद में हम बात करेंगे फ्लावर अर्थात इसका जो पुष्प होता है वो किस प्रकार का होता है। तो पुष्प से पहले हम पुष्प की जो स्थिति अर्थात पुष्प कर्म जो होता है वो एसिमाक्सी प्रकार का इसमें पुष्प कर्म पाया जाता है और जो फ्लावर होता है अर्थात पुष्प जो होता है वो पूर्ण होता है। पूर्ण से तात्पर्य यह है कि इसमें बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी प्रकार के जो अंग होते हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं। उसके बाद में हम यदि बात करें पुष्प जो होता है पूर्ण होता है और द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा दोनों जो जननांग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ फैमिलीज में। लेकिन इसके बाद में हम बात करें त्रिज्या सम्मित, तो जो इसका जो पुष्प होता है वो क्या होता है? त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का मतलब क्या होता है कि पुष्प को यदि लंबवत या अनुप्रस्थ काट में काटा जाए तो बराबर दो भागों में बट जाता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? त्रिज्या सम्मित कहलाती है।
उसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज से मतलब होता है कैलेक्स। कैलेक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दलपुंज में क्या है कि इसमें बाह्य दलपुंजों की संख्या कितनी है? तो इधर हम जो पुष्पीय जो चित्र मैंने बनाया है उस चित्र में हम देखते हैं कि बाह्य दलपुंज कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या में कितने हैं ये बाह्य दलपुंज? 5 हैं। पांचों जो बाह्य दलपुंज हैं वो आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो अर्थात इनकी जो स्थिति है वो कैसी है? स्वतंत्र प्रकार की स्थिति है। यदि ये आपस में इनके किनारे जुड़े हुए होते तो इनको क्या बोलते? हम संयुक्त बोलते। बाह्य दलपुंज के बाद में हम बात करते हैं दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला के नाम से जाना जाता है। तो कोरोला की संख्या हम गिनेंगे तो कोरोला इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, कोरोला नहीं पाया जा रहा, तो इसमें ये क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं पुमंग। पुमंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुमंग में हमेशा किसकी गणना करते हैं? एंड्रोसियम अर्थात पुमंग, इसमें पुंकेसर की गणना करते हैं। तो पुंकेसरों की गणना करते हैं, पुंकेसरों की जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और 5 गिनने पर ये जो संख्या है वो 5 है। और पांचों पुंकेसर आपस में किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। तो पुंकेसरों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। पांचों क्या है? स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार से दल लग्न नहीं है। कई फैमिलीज में हमने पहले देखा था कि इनमें जो पुंकेसर होते हैं वो दल से लगे हुए होते हैं जिसे हम दल लग्न बोलते हैं, परंतु इसमें जो पुंकेसर हैं वो स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? पुंकेसर है 5 और क्या है? ये स्वतंत्र है। उसके बाद में हम बात करते हैं जायांग। जायांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम में हम हमेशा किसकी गणना करते हैं? अंडकों की गणना करते हैं, अर्थात इसमें जो अंडाशय होता है उसमें अंडक कितने हैं। तो अंडकों की गणना करेंगे तो इसमें अंडक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, 2 अंडक हैं। संख्या में इसमें कितने हैं? 2 हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 अंडक हैं तो एक से अधिक यदि संख्या आती है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं इसको, ये ऊर्ध्ववर्ती है तो निशान इसके कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। अब ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि अंडाशय तो हो ऊपर है और बाकी जो अन्य भाग हैं वो सभी क्या हो? नीचे से निकले हो। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऊर्ध्ववर्ती होती है। तो इस प्रकार ये जो पुष्प का जो हमने जो संरचना पढ़ी है उसमें सारे हमने पार्टों का अध्ययन कर लिया। अब इसमें रेखांकित रूप में यदि हम अध्ययन करें तो सबसे नीचे वाला ये जो भाग है वो क्या है? पेडिकल। पेडिकल का मतलब यह होता है कि जिसके ऊपर जो पुष्प जो टिका होता है, अर्थात ये जो आधारी भाग है। उसके बाद में हम बात करें पुमंग में जो पुंकेसरों की अभी गणना की थी, तो पुंकेसरों में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो एंथर कहलाता है। उससे नीचे उसके जो एंथर होते हैं वो संख्या में 4 लोब होते हैं, जो पालियां होती है आपस में जुड़ी होती है, वो कनेक्टिविटी से जुड़ी होती है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है जिससे वो आधार प्रदान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इसी प्रकार क्या है कि जो जायांग में जो स्थिति होती है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र। और स्टिग्मा के नीचे नलिकाकार संरचना पाई जा रही है, इसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल को हिंदी में बोलते हैं वृत्तिका। और ओवरी अर्थात अंडाशय जिसमें जनन के लिए जो सहायक होता है, जो मादा पुष्प में जो काम में आता है अंडाशय। और जबकि नर पुष्प में यदि हम बात करें तो उसमें पुंकेसर या इसमें जो एंथर होता है वो इसमें काम में आता है। तो इस प्रकार ये पुष्प की ये संरचना हो गई। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि पुष्प का जो रेखांकित जो चित्र होता है, पुष्पीय जो चित्र होता है वो कैसे बनता है। तो अभी हमने सूत्र में लिखा है कि बाह्य दलपुंज संख्या में कितने हैं? 5। तो ये आपको बाहरी तरफ ये जो किनारे वाले जो संख्या में जो 5 दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। तो ये बाह्य दल हो गए। बाह्य दल संख्या में कितने हो गए? अभी बताया था 5 हो गए। इसके बाद में अभी दलपुंज की बात कर रहे थे, तो दलपुंज में हमने आगे लिखा है एब्सेंट, अर्थात ये जो दलपुंज है वो अनुपस्थित है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं अपने को। इसका मतलब क्या हो गया? दलपुंज एब्सेंट हो गए। उसके बाद में पुमंग एड्रोसियम संख्या है कितनी? 5। पांचों की संख्या जो है यह आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे संख्या में 5 है, तो इनको क्या बोलेंगे हम?
एंड्रोसियम में पोमंग पुंकेसर बोलेंगे, तो एंड्रोसियम की जो संख्या क्या है वो कितनी है, वो है संख्या पाँच हैं, पाँचों क्या है स्वतंत्र हैं। उसके बाद में हम जायांग की बात करते हैं, गाइनोसियम, ये गाइनोसियम जायांग में दो हैं, अंडाशय कितने हैं दो हैं, दोनों ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब क्या है दोनों आपस में क्या है जुड़े हुए हैं और ऊर्ध्ववर्ती है, तो ये क्या हो गया ओवरी अर्थात गाइनोसियम हो गया, ये गाइनोसियम इस प्रकार ये क्या हो गया, ये इसका गाइनोसियम, तो ये संपूर्ण पुष्प की संरचना हो गई। अब इसकी बात करते हैं कि पुष्प का जो सूत्र है, फ्लोरल फॉर्मूला जिसे पुष्पीय सूत्र बोलते हैं, वो कैसे बनाएंगे, तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ हमें प्रतीकों की आवश्यकता होती है, उन प्रतीकों के बाद में ही हम फ्लोरल फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरल फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे या तो EBR लगेगा या BR लगेगा, तो इसमें ये क्या है सह सीमाक्षी या कि सह पत्री है, सह पत्री के लिए हम क्या लगाते हैं BR लगाते हैं, ये BR लग गया। उसके बाद में क्या है कि ये जो पुष्प है वो क्या है एक लिंगी है अथवा द्विलिंगी या उभयलिंगी है, तो ये क्या है ये उभयलिंगी है क्योंकि पुंकेसर और जायांग दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसमें नर और मादा दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया उभयलिंगी, उभयलिंगी के लिए निशान आएगा ये नर का हो गया ये मादा का, ये दोनों निशान आ गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये एक व्यास सम्मित अथवा त्रिज्या सम्मित है, तो इसमें हम देखते हैं ऊपर मैंने निशान लगाया कि इसको ऊपर से इधर से काटे लंबवत या अनुप्रस्थ काट में काटे तो ये बराबर दो भागों में कट जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे इसको त्रिज्या सम्मित है, ये त्रिज्या सम्मित का निशान लग गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कैलेक्स, कैलेक्स में संख्या गिनी जाती है किसकी बाह्य दलपुंज की, ये बाह्य दलपुंज आपको दिखाई दे रहे हैं संख्या में अपन ने अभी लिखा है पाँच, तो यहाँ पर कैलेक्स को पाँच लिख दो, ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कोरोला, कोरोला को दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज में अभी क्या बताया था अपन ने एब्सेंट है तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग, पुमंग में किसकी गणना करते हैं पुंकेसरों की, अभी गिना था संख्या कितनी है एंड्रोसियम की पाँच है, तो यहाँ पर कितने लिखे ये पाँच लिखे जाएंगे, पाँचों आपस में जुड़े हुए नहीं है तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा ये जायांग हो जाएगा, जायांग के बाद में यदि हम बात करें तो जायांग में जो इसमें क्या होता है अंडाशय, अंडाशय की संख्या कितनी होती है दो होती है, ये हो गया। और उसके बाद में नीचे जो निशान लगेगा वो क्या लगेगा ऊर्ध्ववर्ती का लगेगा। अब इसमें एक नोट ये अपने को एक विशेष ध्यान देने की बात है कि भाई जो अपन ने जो कैलेक्स लिखा है उस कैलेक्स में आपको पता होगा कि कैलेक्स और कोरोला मिलकर के क्या बनाते हैं पेरिएंथ का निर्माण करते हैं, तो पेरिएंथ हम इसको क्या बोलेंगे पेरिएंथ, पेरिएंथ अर्थात परिदलपुंज बोलेंगे, और यहाँ पर भी के स्थान पर क्या लिखेंगे पी लिखेंगे क्योंकि दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सहपत्री द्विलिंगी त्रिज्या सम्मित परिदलपुंज संख्या में पाँच, एंड्रोसियम पुंकेसरों की संख्या पाँच स्वतंत्र हैं, जायांग में अंडाशय क्या है द्विअंडपी है और दोनों क्या हैं ऊर्ध्ववर्ती अर्थात अंडाशय तो है ऊपर और बाकी जो अन्य भाग हैं वो क्या है अंडाशय के नीचे से निकले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है ऊर्ध्ववर्ती कहलाती है। तो ये हो गई एक संपूर्ण पुष्पीय चित्र और पुष्पीय सूत्र की संरचना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसका आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व की बात करें तो सबसे पहला जो महत्व है वो खाद्य उपयोगी पादप अर्थात मानव भोजन के रूप में इस कुल के अंतर्गत आने वाले पौधों को खाने के रूप में काम में लेता है। सबसे पहला जो उदाहरण है वो चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम को हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बथुआ, बथुआ की सब्जी भारतीय संस्कृति के अनुसार भी अच्छी मानी जाती है और राजस्थान में अनेक जिलों के अंतर्गत इस सब्जी को बड़े चाव से खाया जाता है चिनोपोडियम एल्बम। उसके बाद में हम बात करें चिनोपोडियम म्यूरेज, चिनोपोडियम म्यूरेज अर्थात इसका जो लोकल नेम है उसको बोलते हैं चोलाई, चोलाई की भी सब्जी के काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करें चिनोपोडियम क्विनोवा, इसके क्या करते हैं बीजों को उबालकर खाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे शोभाकारी
पादप, शोभाकारी पादपों में बात करें तो कोचिया इंडिका, कोचिया इंडिका को हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बुई। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है अर्थात शोभाकारी पादप, जो भी बड़े बड़े उद्यान हैं, वानस्पतिक उद्यान है, एग्रीकल्चर जो उसके हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत भी इन पौधों को वरीयता दी जाती है क्योंकि ये शोभाकारी पादप है। इसके अलावा कोचिया स्कोपेरिया है, चिनोपोडियम ब्रोटिस है, चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोडिस है जिसको मैक्सिकन टीकी नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिको चाय, ये भी चिनोपोडियेसी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में जो लास्ट जो इसका आर्थिक महत्व है वो पशु चारा के रूप में अर्थात फूडर, पशु चारा के रूप में यदि हम बात करें तो वही भतुआ है चिनोपोडियम एल्बम, भतुआ को भी चारे के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसको सुखाकर भी चारे के रूप में काम में लिया जाता है। एक है सालसोमा बायोस्मा, ये भी चारे के रूप में काम में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चिनोपोडियेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले समस्त जो पादप हैं उनका बायोलॉजिकल रूप से अर्थात आर्थिक रूप से इनका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो चिनोपोडियेसी फैमिली के अंतर्गत आज हमने भतुआ का अध्ययन किया है। तो अब अगली कालांश में हम एक नया चैप्टर और एक नई फैमिली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।